जो कि आ रही है पानीपत से, टेक्सटाइल मिल में भीषण आग की खबर आ रही है और दमकल विभाग की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग से मिल में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ यह अनुमान बताया जा रहा है। पानीपत के सेक्टर 29 की यह घटना, तो आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, आग किस वजह से लगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट शायद वजह हो सकती है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो पानीपत से खबर इस वक्त की, जहां पर टेक्सटाइल मिल में भीषण आग लगी है। तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और इसी वजह से 22 दमकल विभाग की जो गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं, मौके पर पहुंचकर जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि जो आग इतनी भीषण हो चुकी है उस पर काबू पाया जाए। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल, टेक्सटाइल मिल में आग पर काबू पाया गया है या फिर कोशिशें जारी हैं? देखिए पूजा, मैं बता दूं इसको कि ये सुबह जो है सुबह आग लगी है और राकेश टेक्सटाइल पानीपत के बहुत बड़ी टेक्सटाइल है, अपने आप में नाम है, और जिस तरीके से आग लगी है आग के कारणों का पता नहीं लगा, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और इसके अंदर फायर ब्रिगेड का मैं ये बता दूं कि चारों तरफ से फायर ब्रिगेड मंगाई गई है, 22 गाड़ियां लगी हुई थी जिसने आग पर काबू पाया, लेकिन फिलहाल अभी इसके अंदर क्या नुकसान हुआ है, हाँ ये अनुमान जरूर है कि करोड़ों का नुकसान है जिस तरीके का पानीपत में इसका नाम है। तो अब आगे देखना है कि किस तरीके की इसमें जांच होती है और किस तरीके से ये पता लगाया जाता है कि किस तरीके से ये आग लगी है। जी जितेंद्र, और क्या कुछ जानकारी फिलहाल अभी तक मिल पाई है और क्या समय रहते दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गई थी, क्योंकि काफी वक्त लग गया, जैसे कि आपने बताया कि सुबह से आग लगी हुई थी और अब जो है कहीं ना कहीं काबू पाया गया इस पर? देखिए पूजा, इसके अंदर जो है 100 से 150 वर्कर काम करते हैं, जिस पानीपत में अपने आप में एक नाम है, लेकिन सुबह ही जैसे इन्फॉर्मेशन दी गई तो गाड़ियां भी टाइम पे पहुंची हैं, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसके अंदर एक दो गाड़ी काबू नहीं कर सकती थी। तो जितनी भी गाड़ियां थी, मैं कहता हूं कि सोनीपत करनाल से जितनी भी गाड़ियां मंगाई गई उसको लेकर जो है आग पर इस समय फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन जहां तक नुकसान की भरपाई है और नुकसान का अंदाजा है वो अभी तक एक्यूरेट नहीं है कि इसमें कितने का नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जान माल की हानि नहीं है। जी शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो टेक्सटाइल मिल में भीषण आग की खबर, तस्वीरें आपने देखी, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।